बाद फिर स्वागत है। अज भगवंत मान 16वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री के तौर पर सहु चुकन जा रहे हैं और खास जिक्र इस करके भी क्योंकि इसे जगह तो भगवंत मान के वलों अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जी की जाती है 26 मार्च 2011 पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब मनप्रीत सिंह बादल की पार्टी जिस भगवंत मान अपना पहला सियासी भाषण देंगे ने 2012 इलैक्शन लड़े हार गए 2014 इलैक्शन जितते तो इलैक्शन जितने बाद सब तो पहला भगत सिंह के इस पिंड आते हैं उन्होंने पैरों के सर्टिफिकेट रखते हैं कि इन शहीदों के कारण साड़ी जित हुई है और शहीदों के सुपनों पर चलन की कोशिश करांगे। शहीदों के सुपनों का परिवार है जिहड़ा शहीदों के सुपनों का पंजाब है वो बनाया जाएगा। 2011 के भी इसे धरती से खड़ के शहीद भगत सिंह की जिहड़ी सहु आएगी वो खाधी जाती है उस समय और खास जिक्र जिहड़ा वार वार असीं कर रहे हैं कि 92 MLA जित के आए और भगवंत मान की जिहड़ी राजनीति छड़ के जेकर देखा जाए तो जिहड़ी कमेडी की शुरुआत है जिहड़ी अदाकार के तौर पर शुरुआत है वह भगवंत मान की 1992 के होंगी है। तो जिहड़ियां तरीकों का जो असीं जिक्र करते हैं कि तरीकों जिस तरीके दे नाल भगवंत मान दे नाल जुड़िया हुई और जिहड़े अंकड़े भगवंत मान दे नाल चलदे आ वो बेहद खास है। 13 का अंकड़ा पंजाब दे विच शुभ मन्या जांदा है तो सुखचैन 13 के अंकड़े नूं कहिंदे बाबा 13 बाबा नानक का अंकड़ा 13-13 और इस बार आम आदमी पार्टी ने 13 जिले च क्लीन स्वीप। हाँ बिल्कुल सर 13 जिले क्लीन स्वीप 13-13 तोलदा इस 13-13 एक परमात्मा ने जित दवाई है एक लोग जितते ने मतलब तुम खुद देख सकते हो भी हर पंजाबी इन्ना खुश है जिवें हर घर के ब्याह हुंदा है ब्याह नूं भी इन्नी खुशी नहीं हुंदी। बठिंडा सारा साफ मानसा सारा साफ संगरूर तोड़ा सारा क्लीयर बरनाला क्लीयर फिरोजपुर का सारा क्लीयर लगभग उस तो बाद मुकसर के एक सीट छड़ दी जाए फरीदकोट क्लीयर बरनाला क्लीयर और जिहड़े उपरले जिले मोहाली क्लीयर फतेहगढ़ साहब क्लीयर तो लगभग जिहड़े ये 13 जिले बनते हैं जिन्हां दे विचों क्लीन स्वीप के दूजी पार्टी कोई मौका नहीं मिलिया पर एक जिला बच गया वो सी कपूरथला जिथों आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप हो गई। कोई गल नहीं सर अगली बारी मैं तो लगता भी एक महीने को कहते लोग यह ना कहना भी इस तरह नहीं तो तू इधर आ जा नहीं असं आपका MLA वो करते पर लेकिन यह है भी 69 सीटों में उन्होंने सियाटे आपको सियाट आई ने सिर्फ 3 सीटा गई ने और पूरा पंजाब एक बहुत वड्डी जित है जिहड़ी किसी उम्मीद नहीं सी पर लोग ने अपने आप को वोट पाई है एक सच में वोट पाई एक बदलाव में वोट पाई है। कोई यह गल नहीं सोच सकता कि कल लोग कहते मालवे च प्रभाव बहुत वड्डा है मालवे नाल सरकार नहीं बनती पर इस बार मालवे के भी मैं लगता 60 तो वध सीटां कि माझा दुआबा साइड तरह के कल मालवे च सरकार बनी पई है स्पष्ट बहुमत के नाल सरकार तो मालवे जी बन गई थी पर माझा का एक नाम रखना पैंदा है एक उन्हां दा भी मान रखना पैंदा है मान रखना मैं वैसे कहना मैं कह लोग कहंदे सी ना भी माझे दे दुआबे चो प्रभाव नहीं 2017 दे जदों असीं इलैक्शन देखे सी कहंदे मालवे नाल कल्ले नाल सरकार नहीं बणदी 69 सीटां किन्नियां क लै जाणगे इह सवाल आउंदा सी ना हमेशा इत्थे बाड़े सवाल सी भी इहनां नूं माझे दे दुआबे विच ते ना कोई पुछदे नहीं सुखबीर बादल कहते होंगे जी इन्हों बस पिछली बार इन्होंने 20 आई इस बार 10 तो बाद सीटा नहीं आनियां तुम देख सकते हो मालवे थोड़ा जे मान साहब का इलाका है तो जल्दी समझ आते हैं वैसे खेत्र बड़ा वड्डा है 69 सीटा का तो जे साडे अमृतसर वाले वीर ने भाई माझा हो गया दुआबा हो गया इन्होंने बहुत बेखूबी साथ दिता है और यह समझ चुके से भी अज बदलाव की लड़ है पर एक गल जरूर मननी पूगी माझे तो दुआबे ने जिदा भी साथ दिता सरकार वो बनी है चाहे कैप्टन अमरिंदर हो चाहे प्रकाश सिंह बादल की हो बिल्कुल यह गल सच मानते हैं जो साड़ी कमियां सी वो भी दसांगे पिछली बार माझे के दुआबे एक भी सीट नहीं आई तो सरकार नहीं बनी इस बार माझे के दुआबे ने साथ दिता है चाहे साड़ी सियाट आ गई मालवे चो पर लेकिन माझे दुआबे का बहुत बड़ा सहयोग है सानू बहुमत जिनी बहुमत होवे सरकार की उन्नी वधिया चंगी गल है और उन्होंने वास्ते चंगे चंगे जो कानून ने वो लेके आएंगे मान साहब का जो अभी देख देंगे लगभग इस जी अपना टोटल MLA उन्होंने लगभग 13 के करीब डॉक्टर ने जोड़े अलग अलग हल्कों तो आते हैं 13 डॉक्टर जित के आए हैं और इन्ने पढ़े लिखिया का जित के उन्होंने किमें देखते हो लगता पंजाब विधानसभा से भी इसका अच्छा असर देखने बिल्कुल सर अपने जी अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी ने पढ़े लिखे लोगों डॉक्टरों टीचरों और उस तो बाद खेतीबाड़ी जो यूनीवर्सिटी के नाल रिलेटड सके हर वर्ग के बंद टिकट दिती है एक आम तो आम कर नरेंद्र कौर भरा देख लो उस तो बाद लाभ सिंह उगोगे देख लो भी जिहड़े रवायती पार्टियां सवाल सके उन्होंने चोरों ठगों टिकट लेनी जा जुत्तियां खसारनी दाली चिट्टी हो जानी उन्होंने 60-60 70-70 पार्टी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लाने लंघ जाते चलो मैं उन्होंने गल नहीं करता पर उत्थे फिर भी टिकट नहीं मिलती सी वो एक पिंड की चौधर तक सीमित रह जाते पर लेकिन इन्होंने एक बहुत माण बधाया पोलिंग बूथ लाने वाली औरत MLA बन चुकी है बिल्कुल सर तुम देख सकते हो यदा मतलब एक मैसेज आता है भी जो थोड़े अत्याचार हो रहा कोई भी इंसान एक सच की बात चक्के लैके जाता हो परमात्मा साथ दिता है तो परमात्मा लोगों में बसता है परमात्मा साथ दिता एक जी उन्हें पोलिंग बूथ लाया है नरेंद्र कौर भराज ने 2014 में उस पिंड के सरपंच वालों पिंड की पंचायत वालों विरोध किया गया कल्ली औरत सी जी सामने आई सी और अज तुम देख सकते हो अब विधानसभा में आवाज गूंज हुई
दूजे पास एक चीज़ होर है, औरतों के लिए बहुत सारिया जिहड़ियां पार्टियां ने ऐलान कर दिया, हर पार्टी ऐलान करती है, आम आदमी पार्टी ने भी एक एक हज़ार का ऐलान किया, पर जिहड़ी सीटां की जो वारी होंदी है तो औरतों को उन्नियां सीटां नहीं दित्तियां जांदियां। आम आदमी पार्टी दीआं 11 औरतां जित के आईआं, इस बार विधानसभा च 13 औरतां होणगीआं जिहड़ियां MLA जित के विधानसभा दी पौड़ियां चढ़नगीआं। फिर तुसीं इह वी देख सकदे हुण किसी पार्टी ने इन्ना मान सम्मान नहीं दित्ता, हुण ਵਿਧਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਰਨ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਨਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦੇਖੋਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।